नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं फरीन अंसारी। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में लाल किले पर देश का तिरंगा हटाकर किसानों का झंडा फहरा दिया गया था। इस घटना से देशवासी बुरी तरह से आहत थे और सभी में आक्रोश था। लगातार इस घटना के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी, जिसके बाद कल मामले के एक आरोपी पंजाबी सिंगर दीप सिंधु को गिरफ्तार कर लिया गया। दीप सिंधु को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 50,000 के इनामी आरोपी सुखदेव सिंह को रविवार को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसकी गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करके दिल्ली लाने में कामयाब रही। आपको बता दें, पुलिस ने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ की स्थानीय थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस का बिल्कुल सहयोग नहीं किया था और स्थानीय लोगों के सहयोग में खड़ी रही थी, जिसके बाद अब एक और इनामी आरोपी इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया। इकबाल सिंह पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। वो 26 जनवरी को लाल किले से फेसबुक लाइव कर रहा था और लोगों से कह रहा था टॉप जाओ शेरों, यानी कि इस दौरान वो लोगों को भड़काकर लाल किले पर चढ़ने को कह रहा था और लाल किले पर झंडा फहराने की सलाह दे रहा था। अब क्राइम ब्रांच की टीम इकबाल सिंह से पूछताछ कर रही है। इससे पहले दीप संधु को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे पंजाब के जिरकपुर से गिरफ्तार किया था। पिछले 15 दिनों से दीप संधु पुलिस को चकमा दे रहा था और पत्नी के साथ भागने की फिराक में था, लेकिन उसकी पत्नी का जो फोन था वो पुलिस ने सर्विलांस पर रखा हुआ था, जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, लाल किले हिंसा मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन भी जारी है और लगातार किसान नेता आंदोलन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो 80 नए ट्रैक्टर आंदोलन में जोड़ने की बात कह दी है। अब इसे लेकर आगे क्या कुछ होता है, किसान आगे क्या करते हैं और सरकार का इस पर क्या फैसला होता है, ये जानने के लिए आप अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें हमारी हर खबर से अपडेट।